अब अच्छा के फेक वीडियो का मामला बना चुनावी मुद्दा। महाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, हार के डर से फेक वीडियोस डाले, चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। सतारा और सोलापुर में गरजे पीएम, कहा कांग्रेस का मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा, आपके आरक्षण की रक्षा मैं करूंगा। फेक वीडियो पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, मेरे बयान को एडिट करके वायरल किया गया, मैंने मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कही। गृहमंत्री अमित शाह बोले, मुस्लिम की जगह एससी एसटी ओबीसी का किया गया, टेक्नोलॉजी के जरिए बयान से छेड़छाड़ की गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के चुनाव आयोग से की शिकायत, अश्विनी वैष्णव बोले, फेक वीडियो से चुनाव प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एक्शन, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस मिलने पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी, ईडी सीबीआई के बाद बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत बोली, फेक न्यूज की फैक्ट्री खुद बीजेपी चलाती है, रेवंत रेड्डी दूध का दूध पानी का पानी करे। विपक्ष पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक, सत्ता हथियाने के लिए बना इंडी गठबंधन, 5 साल 5 PM के फॉर्मूले से नहीं चल सकता देश। असम के गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, बिहार में भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। बेगूसराय में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की, कहा पीएम ने बिहार झारखंड से नक्सलवाद का सफाया किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, 2 फेज के चुनावों में लीड कर रही है कांग्रेस, रिजल्ट घबराए हुए हैं पीएम। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने रैली की, कहा निजीकरण और अग्निवीर योजना आरक्षण खत्म करने का तरीका है। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले पट्टी दिखाई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, देश में बदलाव का माहौल, झूठे वादों से उब चुकी है जनता। उत्तर प्रदेश के एटा में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया, बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का निशाना, झूठे वादों से लोग परेशान हैं, चाहते हैं छुटकारा। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर सूरत की तरह खेला, आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा वापस लिया। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने पर बोले जीतू पटवारी, बीजेपी लोकतंत्र की करा रही है हत्या। गुना से बीजेपी कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, अक्षय कांति बम राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े, इस बात की खुशी हुई। विदिशा से पूर्व सीएम और बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों ने भरा पर्चा, लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया। राहुल प्रियंका पर बोली स्मृति ईरानी, अमेठी के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं, प्रतियोगिता तब होगी जब कोई सामने होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आम आदमी पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम, किसानों की मदद नहीं कर रही है पंजाब सरकार। दिल्ली में आपकी ट्रांसजेंडर विंग का जेल का जवाब, वोट से अभियान, विधायक दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किनर भी शामिल। आप सांसद संजय सिंह बोले, अरविंद लवली ने गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई, अब सवाल क्यों उठा रहे हैं पता नहीं। अरविंद लवली ने दिया जवाब, कहा जब मैं दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो संजय सिंह जेल में थे, उन्हें कैसे पता अलायंस में निकल रहा है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद लवली ने इंडिया टीवी से बातचीत की, कहा आलाकमान को कैंडिडेट्स फाइनल करने के बाद पीसीसी को बताना चाहिए था। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया पर भड़के अरविंद लवली, कहा वो अभी नेशनल पॉलिटिक्स में नए हैं, मेरे ऊपर बीजेपी का कोई दबाव नहीं। अरविंद लवली ने अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर इस्तीफा दिया, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बिहार के सारण में तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, बहन रोहिणी के समर्थन में वोट मांगे, बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। अररिया की रैली में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी को साथ रखकर 10 लाख नौकरी देने का फैसला मैंने किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, विकास, राष्ट्रवाद और पीएम मोदी के चेहरे पर वोट देती है जनता। थाने में विधायक आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया, शिवसेना यूपीटी उम्मीदवार राजन विचारी के लिए समर्थन मांगा। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, जनता गद्दारों के साथ नहीं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ है। मुंबई साउथ से शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट अरविंदर सावंत ने नॉमिनेशन किया, कहा रिकॉर्ड तोड़ वोट से तीसरी बार चुनाव। दक्षिण मध्य मुंबई से उम्मीदवार अनिल देसाई ने नामांकन भरा, शिवसेना यूबीटी की जीत का भरोसा जताया। नामांकन में उमड़े जनसमर्थन में गदगद शिवसेना यूबीटी, प्रियंका चतुर्वेदी बोली बीजेपी और मोदी जी सत्ता से बाहर जा रहे हैं। महंगाई को लेकर बीजेपी पर बरसे फारूक अब्दुल्ला, कहा गरीबों से पूछिए कैसे जी रहे हैं। अनंतनाग के दोरू में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रचार किया, जनता पीडीपी को वोट देकर संसद भेजना चाहती है। मुर्शिदाबाद में सीएम ममता बनर्जी की रैली, पश्चिम बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे लागू, सभी एक साथ रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा, यंगीपुर रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह ने नॉमिनेशन किया, 20 मई को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की, सोनीपत से भूपेंद्र मलिक, रोहतक से रविंद्र सांगवान को टिकट दिया गया।
यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर, शहर में पसरा दिखा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में लैंडस्लाइड, 10 घरों को नुकसान, राहत बचाव कार्य जारी। कुपवाड़ा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे गिरा, एक डॉलर की कीमत 83.48। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 942 और निफ्टी 224 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।